बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कांग्रेस नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अब तक का सबसे बड़ा जुबानी हमला किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दूसरे का भविष्य जानने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भाई का भविष्य नहीं जान पाए। गौरतलब है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का करीबी बताया जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर FIR होने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए लिखा, सबको भविष्य बताने वाले बाबा जी खुद अपने भाई का भविष्य नहीं जान पाए, क्या किसी भूत प्रेत ने भी पहले नहीं बताया कि FIR दर्ज होने वाली है। आइए आखिर समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। यहाँ बता दें कि कुछ दिन पहले छतरपुर के बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। वीडियो में उनके भाई सालिग्राम गर्ग पिस्टल की नोक पर दबंगई करते हुए नजर आ रहे थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई का दबंगई का वीडियो किसी शादी समारोह का था। सालिग्राम गर्ग जो कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई है, वो मुंह में सिगरेट और हाथ में पिस्टल ताने लोगों को धमकी देते नजर आ रहे थे। आरोप है कि शादी समारोह में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने जमकर बवाल किया था। उन्होंने गाली गलौज करते हुए लोगों से मारपीट भी की थी। उस वीडियो में लोग बीच बचाव करने की कोशिश भी करते दिखे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद छतरपुर पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया। आपको बता दें कि सालिग्राम गर्ग पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की पुलिस ने धारा 294, 506, 323, 227 एवं SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को चेतावनी दे दी थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, आरोपी की अगर 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम अगले कदम का ऐलान करेंगे। समाज के सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। गाइस, ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के साथ आगे की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।